नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मीसीबीसी एचएमआई में डेटा लॉगिन कैसे करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको समझना भी चाहिए। अगर आप इसके सभी सीरीज को देखते हैं, वीडियो सीरीज को, तो आप डेटा लॉगिन काफी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और ईच एंड एवरी पॉइंट समझ पाएंगे। तो हम यही सीखते हैं कि मीसीबीसी एचएमआई में डेटा लॉगिन कैसे करते हैं और उसका पीएलसी प्रोग्राम भी कैसे राइट करते हैं। डेटा लॉगिन के लिए क्या क्या आपको जो सेटिंग है आपको पता होना चाहिए। अगर आप पूरी सेटिंग को समझ लेते हैं, मीन्स बेसिक सभी पॉइंट समझ लेते हैं डेटा लॉगिन का, तो आप डेटा लॉगिन के ईच एंड एवरी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो आज से हम इस वीडियो लेक्चर से हम यही सीखेंगे कि मीसीबीसी एचएमआई में डेटा लॉगिन कैसे करते हैं। काफी डिटेल में सीखेंगे और ईच एंड एवरी पॉइंट की सेटिंग हम समझते हुए चलेंगे। तब अब आते अपने जीटी डिजाइनर पे, थ्री पे, और इसको ओपन करके हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फर्स्टली न्यू पे जाते हैं। अच्छा, मीसीबीसी एचएमआई में फर्स्ट प्रोजेक्टों को कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो कृपया इसको देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट प्रोजेक्टों को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इन सभी पॉइंटों के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज करना है, ये सब पॉइंटों का क्या मतलब है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो उस बेसिक लेक्चर को देख लीजिए और इसका प्ले लिस्ट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से प्ले लिस्ट को फाइंड आउट करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। अब एक न्यू प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे डेटा लॉगिन करने का दो तरीका है, ठीक है। फर्स्ट आप तो ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद हिस्टोरिकल डाटा डेटा लिस्ट डिस्प्ले, इसको भी ओके कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉमन में जाएंगे। कॉमन में जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी डेटा लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों में दोनों, चाहे आप वहाँ से कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जहाँ से चाहे आप वहाँ से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आने के बाद हिस्टोरिकल डाटा लिस्ट डिस्प्ले, इसको हम ओके करते हैं और यहाँ एक बार ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको टू टाइम क्लिक करेंगे, तो टू टाइम क्लिक करने के बाद ये वुड यू लाइक टू प्रोसीड सेटिंग आफ्टर लॉगिंग, तो डेटा लॉगिन के लिए आप सेटिंग करना चाहते हैं, तो यस हम करेंगे। यस करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा और कुछ लोगों में इस टाइप का इंटरफेस हमारा ओपन होगा, तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि हमारा कुछ इस टाइप का क्यों इंटरफेस ओपन हो रहा है। तो ट्रेडिशनल डिस्प्ले, इसको ओके करेंगे तो आप इस टाइप के डिस्प्ले में स्विच हो जाएंगे। कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है। इस टाइप के इंटरफेस ओपन होने पर आप देखेंगे तो फर्स्ट बेसिक और डिवाइस और फाइल सेव, हमारे पास तीन ऑप्शन मिलते हैं, डिवाइस और फाइल सेव और हमारा एक बेसिक। बेसिक अब नीचे आने के बाद हमारा लॉगिंग आईडी और लॉगिंग नेम। लॉगिंग आईडी देखिए वन है, बाय डिफॉल्ट वन है। लॉगिंग आईडी वन का क्या मतलब हुआ कि सपोज आपके पास एक मशीन है और एक कन्वेयर बेल्ट मशीन है और इस कन्वेयर बेल्ट पर 6-7 स्टेशन लगे हैं, तो अलग अलग स्टेशन का डेटा अलग अलग स्टोर करना है, तो वही हमारा लॉगिन आईडी होता है। लॉगिन आईडी वन मीन्स एक स्टेशन का डेटा लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आईडी टू का मतलब हुआ कि किसी दूसरे स्टेशन का जो एक ही पीएलसी से कनेक्ट है, मतलब पांच स्टेशन है सपोज और पांचों स्टेशन एक ही पीएलसी से कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो स्टेशन नंबर वन का डेटा लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉगिन आईडी वन हो जाएगा। अगर स्टेशन नंबर टू का डेटा लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन आईडी टू हो जाएगा। तो ये लॉगिन आईडी है। फर्स्ट जो लॉगिन आईडी है उसका क्या नाम देना चाहते हैं, तो वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज मैंने स्टेशन वन लिख दिया, स्टेशन वन, लॉगिन आईडी वन स्टेशन नंबर वन है, ठीक है। लॉगिन आईडी टू करेंगे और यहाँ पे स्टेशन नंबर टू कर सकते हैं, तो नाम ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो लॉगिन आईडी और लॉगिन नेम का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए लॉगिंग मोड दो तरीके से होता है, एक फाइल सेव और एक बफर हिस्टोरिकल। दोनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि फाइल सेव में क्या होता है और बफर हिस्टोरिकल में हमारा क्या होता है। अगर दोनों पॉइंट को समझे रहेंगे तभी जाके आप बेहतर तरीके से डेटा लॉगिन कर पाएंगे दोस्तों। तो फाइल सेव और बफर हिस्टोरिकल में क्या डिफरेंस है, ये मैं पॉइंट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए फाइल सेव में क्या है, बफरिंग एरिया में क्या है। देखिए फाइल सेव में क्या होता है, टू बी यूज व्हेन द स्टोरिंग और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लॉगिंग डेटा आर स्टोरिंग द सबसिक्वेंट लॉग इन ऑटोमेटिकली क्रिएट अ फाइल वंस इट रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लॉग दैट कैन बी सेव्ड इन वन फाइल। इसका मतलब समझ लीजिए क्या बोल रहा है कि जब आप डेटा लॉगिन लार्ज अमाउंट में करें, जैसे बहुत ज़्यादा डेटा लॉगिन करना है, लाखों में करना है, तो उस समय हम फाइल सेव का यूज़ करेंगे और स्टोरिंग सबसिक्वेंट डेटा ऑटोमेटिकली डेटा हमारा स्टोर होते जाता है और फाइल एक क्रिएट होते जाता है। वो कैसे होगा अभी मैं प्रोग्राम में आगे भी बताऊँगा। और बफरिंग एरिया मीन्स बफरिंग एरिया कब यूज करेंगे, टू बी यूज व्हेन द एग्जीक्यूटिंग हाई स्पीड डेटा लॉगिन। अब देखिए हाई स्पीड डेटा लॉगिन में
हम बफरिंग एरिया में सेलेक्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे बफरिंग एरिया मीन्स ये बफर हिस्टोरिकल हाई स्पीड डेटा लॉगिन, जैसे कि मिली सेकेंडों में हमारा डेटा लॉगिन हो रहा हो तो उस समय हम क्या यूज़ करेंगे, बफर हिस्टोरिकल यूज़ करेंगे। कुछ और पॉइंट है आप समझ लीजिए, डिस्प्ले द हिस्टोरिकल ट्रेंड ग्राफ एंड हिस्टोरिकल डेटा लिस्ट डिस्प्ले एट हाई स्पीड ऑल। देखिए व्हेन देयर इज नो नीड टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ लॉगिंग डेटा, यहाँ पर लिखा है देखिए रीच मैक्सिमम सॉरी यहाँ पे स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लॉगिंग डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लॉगिंग, और यहाँ पे लिखा है नो नीड टू स्टोर लार्ज अमाउंट, तो दोनों में बिग डिफरेंस है। अगर आप डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो बफर आप फाइल सेव में रहेंगे, अगर आप बहुत कम डेटा स्टोर करना चाहते हैं और उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड ग्राफ बना के देखना चाहते हैं मीन्स HMI में ही डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आप बफर हिस्टोरिकल यूज़ करेंगे। देखिए अगर आप HMI में मेमोरी कार्ड मीन्स SD कार्ड लगाएंगे तो आप फाइल सेव पे रहेंगे, अगर आप HMI में ही केवल डेटा देखना चाहते हैं और उसको एक्सपोर्ट करके आप जैसे कि किसी PC में नहीं देखना चाहते और मेमोरी कार्ड आपका नहीं लगा है तो आप बफर हिस्टोरिकल में रहेंगे, ठीक है। और फाइल सेव का मतलब ये हुआ कि आपको इसमें मेमोरी कार्ड लगा के आप डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं अपने PC में। ये दोनों पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी वीडियो बड़ी होती जाएगी और मे बी कई पार्ट में बन जाए, बट ईच एंड एवरी पॉइंट आपको पता चलेगा कि हाँ इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। अब देखिए नंबर ऑफ द फाइल्स 10 है और ये बाय डिफॉल्ट है, और नंबर ऑफ द लॉग फाइल्स 100 है। इसका मतलब दोनों का मतलब समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए और मैं इसको साइड में कर देता हूँ और सॉरी प्लीज़ वेट कीजिए, थोड़ा सा मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए इजी हो जाए मेरे लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ द फाइल्स 10, नंबर ऑफ फाइल सेव में ही है तो इसलिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ द फाइल। देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको 10 फाइल बनेगा, ठीक है, एक फोल्डर बनेगा जिसमें 10 फाइल बनेगा और 10 फाइल में एक फाइल में 100 डेटा स्टोर होगा। आप इसको बढ़ा सकते हैं, देखिए अगर 100 से कम करना चाहें तो 100 से कम नहीं होगा, जैसे 5 मैंने इंटर किया तो देखिए देयर देखिए द वैल्यू इज आउट ऑफ द वैलिड रेंज, रेंज इसका 100 से लेके 65,500 है, ठीक है। तो एक बार में आप सपोज अभी 100 है, ठीक है, तो एक डेटा लॉग इन एक फाइल बनेगा जिसमें 100 डेटा लॉग होगा। तो फाइल नंबर 1 यहाँ पे 10 फाइल मैंने बना रखा है, अगर मैं इसको 1 बोलूँ तो एक फाइल बनेगा और उसमें 100 डेटा स्टोर होगा। 100 डेटा स्टोर होने का मतलब देखिए अभी ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स मान के चलिए 10 डेटा है तो 10 स्टोर होगा। ऐसे ऐसे करते करते हमारा 100 रो बनेगा, 100 रो बन जाएगा, जैसे ही 100 रो कंप्लीट होगा तो एक फाइल में क्रिएट हो मीन्स लोड हो जाएगा, मीन्स वो फाइल उसमें सेव हो जाएगी। वंस अगेन अगर आपने यहाँ पे 100 AB 10 कर दिया, सपोज 10 कर दिया तो 10 फाइल बनेगा और प्रत्येक फाइल में 100 डेटा रिकॉर्ड होगा, एक फाइल 100 डेटा रिकॉर्ड, दूसरा फाइल आएगा ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएगा और 100 डेटा स्टोर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वंस द रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लॉग डेट कैन बी सेव इन वंस फाइल, ठीक है, और यहाँ बोला एन ऑटोमेटिकली क्रिएट अ फाइल, ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट करते जाएगा, मीन्स ये 10 है ना तो एक फाइल पहले नंबर 1 फाइल चलेगा, 1 फाइल में 100 डेटा रिकॉर्ड होगा, 100 डेटा रिकॉर्ड होने के बाद वो फाइल सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप सेव होते जाएगा। फिर दूसरा नंबर ऑफ द फाइल दूसरे नंबर का चलेगा, फिर 100 डेटा रिकॉर्ड होगा, तो ओवरऑल मेरे पास कितना डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा, तो 100 के साथ अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हमारे पास डेटा स्टोर हो जाएगा, मीन्स इस पैरामीटर के हिसाब से। अगर आप इसको 1000 कर देंगे और इसको अगर आपने कर दिया है, देखिए 499 तक इसकी मैक्सिमम लिमिट है, अगर 499 तक है तो मैंने इसको सिर्फ 400 ही कर दिया और इसको मैंने कर दिया है और इसका रेंज मैं चेंज कर देता हूँ, इसका रेंज अगर मैं चेंज करके
50,000 कर देता हूं, तो 50,000 के साथ तो अगर 400 का मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू आएगी हमारी, उतनी वैल्यू मीन्स उतना डेटा हमारा सेव हो जाएगा, इस मेमोरी कार्ड में सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी ये फोल्डर नेम कैसे बनेगा मैं अभी आगे बताऊंगा। तो आपने ये समझा कि नंबर ऑफ द फाइल्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ द लॉग फाइल्स का क्या मतलब है, और फाइल और बफर हिस्टोरिकल का क्या मतलब है। वन पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए फाइल टर्मिनल ट्रिगर का क्या मतलब है, फाइल टर्मिनल नोटिफिकेशन डिवाइस का क्या मतलब, दोनों का मतलब आपको समझना है दोस्तों। अब देखिए फाइल ट्रिगर फाइल टर्मिनल ट्रिगर का ये मतलब हुआ, जब भी यहाँ पे डेटा हमारा शो होगा, वो अगर डेटा आप HMI में USB में जो भी आपने SD कार्ड लगा रखा है उसमें अगर सेव करना चाहते हैं तो फाइल टर्मिनल ट्रिगर बीट को हाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एड्रेसिंग करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे एड्रेसिंग करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और किसी भी कोई इनपुट हो सकता है या फिर कोई मेमोरी बिट हो सकता है। सपोज मैंने एक मेमोरी बिट ले लिया M0 को मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो फाइल टर्मिनल ट्रिगर का मतलब हुआ जब जब भी हमारा डेटा लॉग होगा उस मोमेंट पे, मैं इसका PLC प्रोग्राम राइट करके भी दिखाऊंगा दोस्तों, बट आप वीडियो में बने रहिए और पूरे लेक्चर को देखिए। अगर वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर सभी पॉइंटों को ठीक से समझ लिया आप तो डेटा लॉग इन इतने बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर अदरवाइज आप इन सभी पॉइंटों को नहीं समझ पाए हैं तो आप श्योर है कि डेटा लॉगिन में फंसेंगे, कई बार आपका डेटा सेव होगा, कई बार ट्रांसफर होगा, कई बार नहीं ट्रांसफर होगा और आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए मैं सभी पॉइंटों को मतलब बताते जा रहा हूं कि मतलब डिटेल में, ताकि आप मतलब समझ पाएं आपके लिए ही। देखिए फाइल टर्मिनल ट्रिगर का मतलब ये हुआ कि जब जब भी इस मेमोरी बिट को हाई करूंगा तो जो मेरा डेटा HMI से हमारा मेमोरी कार्ड में मूव होते जाएगा। अगर आपने इस बिट का इसका सिलेक्शन नहीं किया, अगर आपने फाइल टर्मिनल ट्रिगर बीट को हाई नहीं किया तो आपका डेटा तो HMI में दिखेगा, जैसे ही पावर कट होगा वो आपका डेटा इरेज हो जाएगा, मींस वो डेटा आपका मेमोरी कार्ड में जो SD कार्ड आपने बाहर से लगा रखा उसमें ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम फाइल टर्मिनल ट्रिगर बीट को हाई करते हैं। अब देखिए फाइल टर्मिनल नोटिफिकेशन डिवाइस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी एक मेमोरी बीट M1 कुछ भी ले सकते हैं, ये बीट टाइप है तो M1 M2 कुछ भी ले सकते हैं। फाइल टर्मिनल नोटिफिकेशन डिवाइस का मतलब ये हुआ कि जब जब भी डेटा आपका HMI से USB में जाएगा, मींस मेमोरी कार्ड में जाएगा, उस मोमेंट पे ये आपका बिट हाई होगा, M1 ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। तो इसके हाई होने से मतलब हमको ये पता चलेगा कि हमारा डेटा मीन्स सक्सेसफुली हमारा HMI से डेटा SD कार्ड में चला गया है। तो यही बोला है फाइल टर्मिनल नोटिफिकेशन डिवाइस, में आपको सिमुलेट करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको सभी पॉइंट समझ लें, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि ये बिट क्या मतलब है। इसका मतलब देखिए फाइल टर्मिनल ट्रिगर का मतलब होगा कि जब जब भी मेमोरी बिट ये बिट हाई होगा हमारा डेटा ट्रांसफर होगा, HMI से मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर हो जाएगा, मीन्स SD कार्ड में, और जब जब भी ट्रांसफर डेटा होगा उस मोमेंट पर मेरा M1 हाई हो जाएगा। फाइल टर्मिनल नोटिफिकेशन डिवाइस वाला जो ये मेमोरी बिट है ये हमारा मेमोरी बिट हाई हो जाएगा। अब देखिए अब डेटा इसमें देखिए HMI में जो ये टेबल देख रहे हैं इसमें डेटा कब आएगा, ये लॉगिंग ट्रिगर बीट, जब जब भी हम हाई करेंगे लॉगिंग ट्रिगर बीट उस मोमेंट पर हमारा डेटा HMI में मूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको लॉगिन करने का कई तरीका है, यहाँ पे सिंपली ट्रिगर पर जाएंगे तो सैम्पलिंग मेथड से कर सकते हैं, राइजिंग फॉलिंग्स और राइज फॉलिंग, मतलब अगर एक ही मोमेंट पर दो बार आना मीन्स डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो राइजिंग फॉलिंग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप राइज यूज करके एक टाइम में एक डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो आप राइजिंग एज को यूज कर लीजिए। और यहाँ पे जो भी कोई बीट, सपोज आप M10 यूज कर लिए, कोई भी मेमोरी बीट या फिर कोई भी आउटपुट यहाँ पे लिख सकते हैं, Y0 कुछ भी लिख सकते हैं Y0, और मैंने इसको ओके कर दिया, मींस जब जब भी हमारा Y0 हाई होगा, ये देखिए लॉगिंग ट्रिगर बीट, जब जब भी Y0 हाई होगा हमारा डेटा जो PLC में जो भी मैं डेटा रजिस्टर यूज किया हूँ वो डेटा रजिस्टर मेरा यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे शो होने लगेगी, HMI में वैल्यू हमारी शो होने लगेगी। तो ये है हमारा लॉगिंग ट्रिगर। इसके बाद देखिए लॉगिंग नोटिफिकेशन डिवाइस और लॉगिंग काउंट डिवाइस, इसका भी मैं मतलब समझा देता हूँ। लॉगिंग नोटिफिकेशन डिवाइस इसमें भी वही सेम है, जैसे जैसे ही हमारा डेटा, अब देखिए ये डेटा कब, ये जब देखिए फाइल टर्मिनल ट्रिगर और फाइल टर्मिनल नोटिफिकेशन डिवाइस, ये डेटा जब HMI से आपका ये SD कार्ड में मीन्स USB कार्ड में जाएगा तब जाके ये हमारा M1 हाई होगा, बट ये लॉगिंग नोटिफिकेशन डिवाइस अगर मैं यहाँ पे सपोज M12 लिख दिया, M12 ये कब हाई होगा, अब देखिए
जब जब भी डेटा आपका पीएलसी से एचएमआई में आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब जब भी डेटा आपका पीएलसी से एचएमआई में आएगा तो उस मोमेंट पे ये हमारा M12 बिट हाई होगा। और ये कब हाई हो रहा है? जब जब भी एचएमआई से डेटा हमारा यूएसबी कार्ड में जा रहा है तब जाके फाइल टर्मिनल नोटिफिकेशन डिवाइस ऑन हो रहा है। और ये लॉगिन नोटिफिकेशन डिवाइस तब ऑन होता है जब हमारा डेटा पीएलसी से एचएमआई में आता है, तब जाके ये M12 ऑन होगा। मीन्स यहाँ पर जो भी बिट लिख देंगे, जो भी एड्रेसिंग कर देंगे बिट टाइप में, वो बिट हाई होगा, ठीक है। लॉगिंग काउंट नंबर क्या है? यहाँ पे कुछ भी डेटा रजिस्टर की वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे डेटा रजिस्टर कुछ भी D0, D10, D100 कुछ भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने D100 यूज कर दिया, तो D100 का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, लॉगिंग काउंट डिवाइस ये वो डेटा रजिस्टर है, इसमें कितना डेटा आ रहा है उसको काउंट करके दिखाएगा। सपोज एक बार जब जब भी Y0 ट्रिगर होगा एक डेटा आएगा, Y0 ट्रिगर हुआ एक डेटा आया, वो एक डेटा काउंटिंग होगा इसमें, D100 में काउंटिंग हो जाएगा। दोबारा डेटा आएगा Y0 जब जब भी हाई होगा ये काउंटिंग करते जाएगा, मींस ओके काउंटर की तरह ये काउंटिंग करने लगा। तो D100 डेटा रजिस्टर वो वैल्यू है जिसमें हमारा डेटा काउंटिंग होगा कि कितना लॉगिन आया। अब देखिए 400 के साथ 50,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 400 के साथ 50,000 का जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसमें काउंटिंग होती जाएगी, सॉरी इसमें D100 में काउंटिंग होती रहेगी। 400 के साथ 500 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी इसमें काउंटिंग होती जाएगी, D100 में काउंटिंग होती जाएगी। जब जब भी डेटा वैल्यू आते जाएगा हमारा D100 में काउंटिंग होते जाएगा। मैं इसका प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, यहाँ पे HMI पे ही काउंटिंग करा होगा और उधर PLC में डेटा लॉगिन हो रहा होगा। तो प्लीज पूरे वीडियो को देखते रहिए। अभी तक मैंने इन सभी पॉइंटों का सेटिंग, बेसिक सेटिंग के बारे में बताया, अब डिवाइस सेटिंग कैसे करेंगे, फाइल सेव का क्या ऑप्शन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है इसीलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट में बना रहा हूं। तो आप सभी सीरीज को देखिए, सभी वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तब तक ले नमस्कार दोस्तों।